हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष के बारे में। थोड़ा सा बिजी हम लोग, क्योंकि उठने में लेट हो गए हैं, निकलना है, पैकिंग भी करनी है और रेडी भी होना है, बहुत सारे काम करना है। हेलो, अरे वो 11 बज गए, 11 बज गए, चेकआउट करना है। चेकआउट का टाइम है, बोल रहा है एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे। हम लोग रेडी हो चुके हैं वापस जाने के लिए, पैकिंग हो गई है। जब हम यहाँ आ रहे थे ना, तब मैं और भाभी यही बात कर रहे थे कि ताशी को इतनी दूर लेकर जाना है, ट्रैवल है, और हम लोग तो अंबाला के लिए आए थे तो एक्स्ट्रा कपड़े भी हमारे पास नहीं थे, तो वही धोकर हमें पैक करने होंगे। पर हमें कपड़े जो हैं वो साफ़ भी चाहिए, मतलब क्लीन भी चाहिए और सेफ भी चाहिए ताशी के अकॉर्डिंग। भाभी और मेरा काम इसी तरह से ना मस्ती मजाक के साथ ही होता है, तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। भाभी क्या कर रहे हो? चलो मैं मूवी देखने चलता हूँ। मुझसे क्या पूछ रही हो? कहाँ गए आपके सारे दोस्त? उनसे दूरा फोन पे लगी रहती हूँ। अरे तो आज मेरा आपके साथ मूवी देखने जाने का मन है ना, ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं आपके साथ मूवी देखने नहीं जा सकती, मैंने ना भी नहीं जा सकते, चलो ना चलता है। अच्छा जरूर कुछ काम है। वैसे अभी तो मुझे अभी के लिए खाना बनाना है, उनके कपड़े भी धोना है, और कम से कम मुझे ये सारा काम करने में एक घंटा लगता है। खाना बनाने में तो 10 मिनट लगता है, और अब तो कपड़ों को आधा घंटा भिगो कर रखना भी नहीं पड़ता। सपनों में होता होगा ऐसा, कपड़ों को कम से कम आधा घंटा भिगो के रखना पड़ता है, तब उसका अच्छे से दाग निकलता है, नहीं तो कपड़ा पुराने का पुराना लगता है। अरे भाभी आपको भी नहीं पता क्या? एक मिनट, तुम्हारे जमाने का पाउडर है? अरे नहीं भाभी, ये आपके मेरे हम सबके जमाने का है, वो जैसे कि हम सब जानते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अच्छा फिर तो इसे इस्तेमाल करके देखना ही पड़ेगा। हमारे बैग लॉबी के बाहर सब इकट्ठे करके रखे हुए हैं। ये सचिन भैया की कार, इसमें सारे रखेंगे, सब एक एक करके बैठेंगे। ये मनीषा दी एकदम रेडी, बाकी का वेट करते हैं। ये चीनू भैया, ओहो ओहो, सबको पता है जल्दीबाजी है। नहीं जल्दीबाजी नहीं, मेरे को वैसे फोल्ड हो रहा है। और हम लोग सुबह भाई जाएंगे। अरे चलो ना, ये सामान रखते। अरे बेटी, बड़ी वाली बेटी का सामान नहीं आया अभी तक। अरे बोलो ना, फोन करके जल्दी ले आओ। ले लो, अच्छा लग रहा है ना, कलर एकदम ब्राइट वाला। छोटे बच्चे के ना, तो वो नहीं पहनती। ठंड में पहन लेगी ना, कलर कौन सा लूंगी बता दे। ये अच्छा लगने वाला, ये तो बड़ा है, ये बड़ा है। नहीं आती, नहीं इसमें फुल स्लीव्स नहीं आती। ये इधर तो पहनने लाएगा। ये है पिंक वाला, बड़ा है ना, पिंक वाला, उसके बाजू वाला। हाँ जल्दी बना ए बेटा, गाना तो बता, मेरे को कोई गाना नहीं बताता। जल्दी बना दे यार, गाना तो बता दो ने। अरे तू बना दे एक मिनट, ई करना, ई तो करो, ई तो करो। ये दांतों में लिपस्टिक लगा रखी है, लगाइए कि खाई है। प्लीज प्लीज भाई, भाई मरेगा। अरे सुनो भाई, ओ भाई चलो आगे आगे। ओ नहीं, मत रो भाभी मत रो, होता रहता है यार ऐसा। इतनी अच्छी जगह छोड़ के जाओगे रोना आएगा, बट ये अच्छी चीज है ना आपके पास, आप हमारे साथ चल रहे हो ना। ये सब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं,
ये सही है। गाड़ी साफ कर अभी क्या इस खूबसूरत नज़ारे को अलविदा कहते हुए हम सब घर की तरफ निकल रहे हैं। चलो चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं अब यहाँ से अलग अलग गाड़ियों में। हाँ। कौन किसकी गाड़ी में जाएगा नहीं पता है, बस हम लोग रेडी होकर यहाँ पर सड़क पर खड़े हुए हैं। आशा करते हैं कि मैं नीतू दीदी के साथ बैठूंगी, मिशु मेरे साथ बैठेगी, हम तीनों साथ में जाएंगे, लेकिन किस्मत का कोई भरोसा नहीं। हम लोग जो सोचते हैं वो कभी भी नहीं होता है, तो बने रहिए हमारे चैनल से, क्या होने वाला हमें खुद को नहीं पता। अच्छा। दो मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कैमरा मैन हूँ, मैंने बोला था सिर्फ वेलकम करना, बाकी की बातें मैं करूँगा, मुझे तो कुछ बोलने नहीं दिया। मेरी वाइफ, मेरी बहन, दोनों बहनें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों की वजह से, और मेरे भैया शुभम भैया, शुभम भाई आप भी आओ, और मेरी बहू बोलूँगा, और सचिन भैया, मनीषा, सबको, निशा और हेमंत, और ये मेरा छुटकू, तो मुझे आज आप लोगों की वजह से यहाँ आने को मिला। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सोचा था लेकिन तुम लोगों ने इतना बोल दिया, मैं बोल ही नहीं पा रहा। रूम आता है इनको लिपस्टिक का पड़ा हुआ है। चलो 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 बाय 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 भाभी बाय, चलो गाइस चलो 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 जल्दी चलो। कहाँ पर? यहाँ पर देख रही, कब इनकी बातें खाना वो कब मैं चालू करूँ। नहीं लेकिन सुन लिया ना उसने मेरा कहना। अरे वाह वाह, कुछ ऐसे आज हम लोग जा रहे हैं। So, दीदी अरे यार मेरे साथ पता नहीं, मेरे को ये फोबिया है कार का कार का फोबिया है मुझे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि हमें ट्रैवल मिल जाती, लेकिन सीज़न का टाइम है और लास्ट मोमेंट पे हमारा डिसाइड हुआ आने के लिए। हमारा कुछ भी प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, अभी भी नहीं है। अब हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि इतनी दूर निकले हैं तो हमें ऐसा लगा ना कि जो हम पास में देख सकते हैं वो हमें देखना चाहिए, क्योंकि बार बार निकलना, बार बार ऐसे आना नहीं हो पाता है। तो सभी को लगता है, सब फैमिली वाले हैं, कि जितना भी हो सके हम एंजॉय कर सकें, बाहर जाकर अपने बच्चों को दिखा सकें, हम देख सकें। तो ट्रैवल नहीं मिल पाने की वजह से दो गाड़ियाँ थी और हमें ऐसा लग रहा था ना कि सभी लोगों को साथ होना चाहिए, तो हम लोग शिफ्ट कर रहे थे गाड़ी में, कभी वो गाड़ी कभी ये गाड़ी, ताकि हम लोग सबके साथ टाइम जो है हमारा सबके साथ बीत सके, हम सबको टाइम दे सके। हम सभी लोग मणिकरण के लिए निकले थे, लेकिन आप देख रहे हो कितना लंबा जाम लगा हुआ है। अगर यहाँ पर हम लोग रुकते ना तो हमें शाम के 5 यहीं पर बज जाते और हमारा पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता, तो हम लोग यहाँ से फिर रिटर्न हो गए यहाँ से अम्बाला के लिए। अरे यार यूटर्न में भी जाम लगा है, गाड़ियाँ मोड़ रहे हैं सब लोग पीछे, देखो उसने भी मोड़ ली। दस किलोमीटर लंबा जाम है, बताओ आप, इस जाम के चक्कर में हम लोग जाम हो जाएंगे, भूख लग रही है, भूख लग रही है, अपन लोग फ्रीज हो जाएंगे। क्या जाएगी मिशु, तो मिशु तो क्या होगी फ्रीज। अरे यूटर्न बहुत लंबा होने के कारण हम जाम ले रहे हैं। गाइस यहाँ पे हमारा खाना चलते हुए, न्यायदी यहाँ पे हम वेज वाले हैं और ये सारे नॉन वेज,
हम मस्त दाल और क्या है सब्जी, आलू की सब्जी, आलू सब्जी, चावल खा रहे हैं। ये नहीं आती वो वहाँ पे चल रहा है चिकन ककड़ुक्कू। भाभी की थोड़ी तबीयत ख़राब होगी तो वो आरएस पिए और ये दही पिया है थोड़ा पेट को ठंडा करने के लिए। हम थोड़ा स्विफ्ट में बैठे हुए, उसका थोड़ा एसी ऐसे ऐसा ही है, मज़ा नहीं आता उसमें, पीछे बहुत गर्मी है। हमारा खाना हो चुका है, यहाँ पे गोलियाँ बट रही है, सबकी तबीयत खराब है। आपको पता है खाने के साथ ही खा लेना था मिला के। जीजू लाए सबके लिए दवाई, सब में बटेगी। चीनी में क्या होते हुए, अरे कैसे चल रहा है जीनू? पीछे सब सोता पड़े। लड्डू हेमंत तू नहीं जाएगा, हेमंत नहीं जाएगा, हेमंत चलो कट 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 नहीं दीदी चलो बुलावा आया है। यहाँ पे हम रुके हुए हैं, इनका मुंह धुल गया है, लड्डू रो रही है। ला पैर तो हटा ले, तेरे पैरों पे चढ़ती भी निकल जाऊंगी तो बोलना मत। अरे तो चढ़ के तो निकलो, तो तुम निकल भी तो नहीं रही हो। चलो चलो ये नेहा दी बैठी है, सब देख हो गया कोलैबोरेशन। भाभी की तबीयत खराब थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी है। कहाँ जा रहे हो? चार्जर लेने चार्जर। मेरी बात सुनो, दीदी की तरफ से ये टपके मेरी तबीयत वैसी सही नहीं लग रही आज। मम्मी कॉन्ग्रेचुलेशन मौसी, ऐसे बोला बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो ताशी बेटा, तेरे सर पे लग जाएगी है ना। आज नीतू दी के 100 के हो गए हैं, ठीक है, बहुत खुश हैं। ऐसे उन्हें प्यार देते रहे और जल्दी से 1 मिलियन करवा दे। जल्दी से चलो, बाय 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 बाय, थैंक यू बोल दो। थैंक यू। अभी नियादी की तबीयत खराब हो गई। अरे बोलो, नियादी फोन जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। सचिन भैया ओके डार्लिंग लव यू, आप आना तो फिर आना ही है। अरे तू आएगा मेरे पास, आप तो मेरे देख आगे रही है। ऐसे कहोगे बहुत यूट हो रहा है। तुम तो बिल्कुल हां मत करना ताशी, तब मैं ठीक नहीं, आप कहीं पर जाओ भांडा ना फूट जाए तेरा। अरे नहीं, अब सही हो जाओ, मुझे आगे का आ रहा है, वो सांस आ रहा है जी जी। देख तू जा रहा है इसलिए सांस नहीं आ रहा। ओ ऐसा है क्या? अरे ऐसे दो मिनट पेमेंट करके आना।
आते रहियो, अपना घर अपना ही घर समझियो, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि हेमंत कौन है, तो हेमंत मेरा भाई है। मैं किसी और ब्लॉग में डिटेल में बताऊंगी। वो जा रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, चंडीगढ़ में पढ़ता है, इसलिए उसको हमने यहीं पर छोड़ दिया। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए किसी ने भी ब्लॉग शूट नहीं किया है। पहले नॉर्मल लगा कि घबराहट हो रही है, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर हमने पहले डॉक्टर को दिखाया, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते थे। भैया ने बोला कि आगे ही बैठो, आगे कम्फर्टेबल रहेगा। कुछ इस तरह से फिर हम लोग घर पहुँचे, जो कि हमारे पास शूट नहीं है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जैसा भी होता है आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी तो हमें भी नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा और व्लॉग्स को इसी तरह से एंजॉय करिएगा।